नमस्कार दोस्तों, एडीसेट के नेटवर्क में आपका स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है कोश और कोश विज्ञान। और दोस्तों, इस लेक्चर के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर हरीश कुमार सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली। इसी इंट्रोडक्शन के साथ मैं सर का स्वागत करना चाहूँगी। सर, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज के हमारे जो है व्याख्यान का विषय है कोश और कोश विज्ञान। कोई भी पढ़ा लिखा साक्षर व्यक्ति जो है कोशों का इस्तेमाल करता ही रहता है। वास्तव में हम देखें तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहते हुए अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा को माध्यम बनाता है। समाज और भाषा परस्पर संबंधित हैं। समाज में रहते हुए भाषा का व्यवहार किया जाता है और भाषा जो है समाज में अभिव्यक्ति के माध्यम के साथ साथ समृद्ध और संपन्न होती चलती है। समाज के स्वरूप को अगर हम परखना चाहें तो उसमें जो है भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम भाषा के जरिए समाज को निरख सकते हैं, परख सकते हैं। जहाँ तक बात भाषा की है, भाषा हमें शब्दों वाक्यों आदि के रूप में मिलती है। इसमें से हम ये कह सकते हैं कि भाषा का आधार जो है शब्द है, और शब्द अपने आप में कुछ ना होकर उसमें अर्थ अगर नहीं है तो अर्थ के बिना शब्द निरर्थक है। इसलिए शब्द का आधार हम ये कह सकते हैं कि अर्थ है। अर्थ मुख्य बात ये रहती है कि वो कई संदर्भों को व्यक्त करते हैं, लेकिन मनुष्य की एक सीमा होती है कि वो शब्दों में निहित अर्थ को जो है एक सीमा तक ही ग्रहण कर पाता है। अर्थ संदर्भों को जानने और समाज को परिचित कराने के लिए शब्दों को कोशों के रूप में संकलित किया जाता है। अर्थात जिन में शब्द जो हैं संकलित रूप में हमें मिलते हैं तो उन्हें हम कोश कहते हैं। कोश शब्दों और उनके अर्थों को सुगठित क्लेवर प्रदान करने का साधन सिद्ध होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कोश मानव सभ्यता, समाज और संस्कृति के उद्भव, विकास और उत्कर्ष को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं, उन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। ये आप स्क्रीन पे भी इन पॉइंट्स को देख रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि भाषा और समाज का क्या संबंध है और शब्द और अर्थ का क्या संबंध है, और अर्थों को जानने के लिए जो है कोशों के रूप में हमें शब्दों को संकलित करते हैं। अब हम बात करते हैं कोश के अर्थ और स्वरूप को लेकर। कोश शब्द का जो प्रयोग जो है हमें बहुत प्राचीन रूप में मिलता है। ऋग्वेद में इस शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है। अर्थात कोश की जो आप वर्तनी देख रहे हैं तालव्य शाह के रूप में इस शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके अलावा मूर्धन्य शाह के रूप में भी ऋग्वेद में कोश शब्द का प्रयोग हुआ है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि कोश के लिए मूर्धन्य शाह और तालव्य शाह दोनों वर्तनियों के प्रयोग का जो है आरंभ में चलन रहा है। प्राचीन अर्थ में जो है कोश शब्द जो है ये पीपा, कटोरा, बाल्टी, मयान, ढक्कन, संदूक, खोल आदि इस संदर्भ में भी इस्तेमाल में लाता था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कोश शब्द से तात्पर्य किसी ऐसी वस्तु से है जिसमें कुछ रखा जा सके। शब्दकोश के मूल अर्थ में भी यही भाव निहित है। इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि शब्दकोश ऐसी वस्तु है जिसमें शब्द और उनके विभिन्न अर्थ रखे जाते हैं। इसी से कोश शब्द विकसित होकर खजाना, भंडार आदि के अर्थ में भी प्रयुक्त होने लगा। लंबे समय तक कोश तथा मूर्धन्य शाह वाला और तालव्य शाह वाला दोनों वर्तनियों से जो है शब्दों का जो है प्रयोग हमें मिलता रहा है, और ये शब्द कोश और खजाना दोनों अर्थों को व्यक्त करने के लिए व्यवहार में लाया जाता था। किंतु 20वीं शताब्दी में हिंदी में के जब मानकीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया तो कोश शब्द का प्रयोग शब्दकोश के संदर्भ में और मूर्धन्य शाह वाला कोश शब्द का जो प्रयोग जो है खजाने के संदर्भ में निश्चित कर दिया गया। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि आज
कोश तालव्य शाह का जो प्रयोग में आता है वह शब्दों और उनके अर्थों आदि से संबंधित शब्द है। परंपरा में हम कोश शब्द के जो है जो विभिन्न प्रयोग शब्द प्रयोग मिलते हैं उसकी तरफ भी हम थोड़ा ध्यान देना चाहेंगे। कोश की अवधारणा भारत के लिए बहुत प्राचीन है। प्राचीन ग्रंथों में निघंटु की बात की जाती है, वे कोश का रूप लिए हुए हैं। निघंटु असल में वैदिक संहिताओं के अनेक शब्दों को समझने के लिए जब कठिनाई अनुभव होने लगी थी तो वैदिक शब्दों को बनाया गया शब्द ग्रंथ था निघंटु। आज तो केवल एक ही निघंटु उपलब्ध है और ये यास्क का है जो 8वीं शताब्दी के थे, किंतु कुछ विद्वानों का यह मानना है कि और भी निघंटु बनाए गए थे। ऐसे अनेक निघंटु बने होंगे। आज भी दो और निघंटु उपलब्ध हैं, इनमें से एक शाकपर्णी का जो पूना से प्रकाशित है और दूसरा कौतसव्य का है जो लाहौर से प्रकाशित हुआ था। मैकडॉनल्ड के अनुसार यास्क के समय 5 निघंटु उपलब्ध थे। निघंटु मात्र शब्द संग्रह है। हम द्रविड़ भाषाओं में भी देखें तो वहाँ मलयालम, तमिल और तेलुगु में कोश के लिए निघंटु शब्द का प्रयोग मिलता है। निघंटु के अलावा हम देखते हैं कोश के लिए और भी शब्द हैं जिन्हें आप देख ही रहे हैं, जैसे अभिधान, शब्दमाला, शब्द रत्नमाला, शब्द सागर, शब्द कल्पद्रुम, नाम माला, शब्द पारिजातम, शब्दार्थ कौस्तुभ, शब्द संग्रह, शब्द चिंतामणि, शब्द रत्नाकर, शब्द मुक्तावली, शब्द मंजरी, नाम मंजरी, अनेकार्थ माला आदि। इस तरह हमें परंपरा में कोश के लिए विभिन्न शब्द प्रयोग जो हैं मिलते हैं। और हम अगर देखें फारसी, अरबी और उर्दू में जो है कोश के लिए लुगत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लुगत शब्द जो है ये इसके धातु जिसे मादा कहते हैं लाम गैन तेज से है, जिसका अर्थ है बोलना। इसी आधार पर प्राचीन अरबी में लुगत का प्रयोग शब्द के लिए हुआ और फिर शब्दों के संग्रह को भी लुगत कहा जाने लगा। अरबी फारसी के अलावा अगर हम अंग्रेज़ी के संदर्भ में देखें तो अंग्रेज़ी में कोश के लिए भी कई शब्द हमें नज़र आते हैं, जैसे डिक्शनरी, लेक्सिकॉन, ग्लॉसरी, वोकेबलरी, थिसॉरस आदि। डिक्शनरी शब्द का जो है प्रयोग मूलतः जो है लैटिन शब्द डिसियर से बना है, जिसका अर्थ है कहना या बोलना। डिसियर से ही डिक्शन शब्द बना है और इसी से डिक्शनरी शब्द की व्युत्पत्ति हुई। इस प्रकार डिक्शनरी बोले गए शब्दों का संग्रह है। डिक्शनरी के अलावा हम देखते हैं लेक्सिकॉन शब्द को जो है। लेक्सिकॉन शब्द जो है लेक्सिकोग्राफी और लेक्सिकोलॉजी जैसे शब्द भी इसी से ही बनाए गए हैं। यह मूलतः यूनानी धातु लेगिन से संबद्ध है। लेगिन का अर्थ भी है कहना या बोलना। इससे यूनानी शब्द लेक्सिक बना जो शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। लेक्सिक से शब्दकोश का वाचक लेक्सिकॉन बना जो अंग्रेजी में लेक्सिकॉन के रूप में प्रयुक्त होता नजर आता है। लेक्सिकॉन के अलावा अंग्रेजी में एक अन्य शब्द भी प्रयुक्त होता है जिसे कोश के संदर्भ में हम देखते हैं, यह है ग्लॉसरी शब्द। ग्लॉसरी शब्द अंग्रेजी के ग्लॉसरियम से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र के शब्दों का संकलन। अर्थात इसमें ज्ञान के क्षेत्र विशेष के शब्दों का संकलन मात्र ही होता है, शब्दों के सामान्य अर्थ इसमें संकलित होते हैं। हिंदी में ग्लॉसरी के लिए शब्द संग्रह या शब्द सूची जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। ग्लॉसरी के अलावा थिसॉरस शब्द भी कई लोग कोश के संदर्भ में प्रयोग करते हैं। थिसॉरस शब्द यूनानी भाषा में थिसॉरस से बना है, जिसका मूल अर्थ है खजाना अथवा भंडार, किंतु आजकल हम थिसॉरस शब्द को जो है कोश के संदर्भ में प्रयोग ना करके कोशों के विभिन्न प्रकारों में से एक प्रकार विशेष के रूप में करते हैं और जिसे थिसॉरस कहा जाता है। कोश को जानने के लिए हम परिभाषाओं के रूप में देखें तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा है कि डिक्शनरी ए बुक लिस्टिंग वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज
with their meaning in the same or another language, usually in alphabetical order, often with date regarding pronunciation, origin and usages. अर्थात कोश एक ऐसी पुस्तक है जिसमें एक भाषा के शब्दों को उसी भाषा अथवा किसी अन्य भाषा में उनके अर्थों के साथ सामान्यता उनके उच्चारण व्युत्पत्ति प्रयोग संबंधी जानकारी के साथ वर्ण अनुक्रम में रखा जाता है। कोश की एक और परिभाषा देखें विकिपीडिया में जो दी गई है, इसका अगर हिंदी में देखें तो ये है कोश जिसे शब्दकोश या शब्द संग्रह भी कहा जाता है, मूलतः एक या एकाधिक भाषाओं के शब्दों का संग्रह है जिसमें शब्दों के प्रयोग की जानकारी, उनकी परिभाषाएं, शब्द व्युत्पत्ति, स्वर विज्ञान, उच्चारण तथा अन्य संबंधित जानकारी दी जाती है। इनमें शब्दों का संग्रह प्राय वर्णक्रम के अनुसार होता है अथवा वह ग्रंथ जिसमें एक भाषा के शब्दों के दूसरी भाषा में समतुल्य दिए जाएं वह भी शब्दकोश कहलाता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका और विकिपीडिया की परिभाषा को देखने के बाद हम हिंदी के संदर्भ में भी देखें तो मानक हिंदी कोश के अनुसार शब्दकोश का अर्थ वह है जिसमें किसी विशेष क्रम से शब्द दिए हों व उनके आगे अर्थ दिए हों। ऐसे ही डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपनी पुस्तक कोश विज्ञान में लिखा है कि कोश ऐसे संदर्भ ग्रंथ को कहते हैं जिसमें भाषा विशेष के शब्द आदि का संग्रह हो या संग्रह के साथ उनके इसी या दूसरी या दोनों भाषाओं में अर्थ पर्याय प्रयोग या विलोम हो या विशिष्ट अथवा विभिन्न विषयों की प्रविष्टियों की व्याख्या, नामों स्थान व्यक्ति आदि का परिचय या कथनों आदि का संकलन क्रमबद्ध रूप में हो। इन परिभाषाओं को देखने और समझने से हमें ये पता चलता है कि कोश क्या है। अगर हम निष्कर्ष के रूप में कहना चाहें तो शब्दकोश शब्दों का वह संग्रह है जिसमें एक भाषा के शब्दों का उसी भाषा में या फिर अन्य भाषाओं में उनके प्रचलित एवं शुद्ध रूप व्युत्पत्ति अर्थ व्याकरणिक जानकारी उच्चारण पर्याय विलोम आदि संबंधी जानकारी क्रमबद्ध रूप में दी हुई होती है। यहाँ हम आगे बात करना चाहेंगे शब्दकोश और कोश में भिन्नता को लेकर। शब्दकोश और शब्द संग्रह में भिन्नता के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो शब्दकोश का अर्थ अंग्रेजी के शब्द को डिक्शनरी से है और शब्द संग्रह का अर्थ ग्लॉसरी से है। दोनों पारिभाषिक अर्थ में तो समान है अर्थात दोनों में शब्दों का संग्रह है, लेकिन खास संदर्भ में जो है ये दोनों अलग अलग अर्थ रखते हैं। शब्दकोश में एक भाषा के शब्दों के अर्थ उनकी व्युत्पत्ति उच्चारण प्रयोग तथा अन्य संबंधित जानकारी अथवा उसी भाषा या अन्य भाषा में वर्णक्रम में दी हुई होती है, यानी इसमें शब्द उनके अर्थ उनसे संबंधित अन्य जानकारी शामिल होती है। ये मूलतः शब्दों से संबंधित सामान्य जानकारी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कालिका प्रसाद और अन्य द्वारा संपादित बृहत हिंदी शब्दकोश हिंदी कोश की जो है निम्नलिखित प्रविष्टियाँ, इन प्रविष्टियों में आप देख रहे हैं कि कायिक शब्द लिखा है, उसके बाद उसकी व्याकरणिक कोटि के रूप में जो है विशेषण है और ये इसका शब्द का स्रोत जो है संस्कृत भाषा है और इसका अर्थ दिया हुआ है जैसे देह संबंधी शरीर से किया हुआ या संघ संबंधी। इससे अगले आप देखेंगे तो उसमें स्त्रीलिंग संज्ञा संस्कृत का है शब्द ये और काय या मूलधन का सूद के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं कायिका वृद्धि शब्द जब बनता है तो वह भी स्त्रीलिंग रूप वाला है और यह बता रहा है कि अपने शरीर से या पशुओं से काम कराकर सूद अदा करने का तरीका कायिका है। और कायिकी शब्द जो है स्त्रीलिंग रूप है और ये फिजियोलॉजी के संदर्भ में शरीर क्रिया विज्ञान से जुड़ा हुआ शब्द है। कहने का अभिप्राय ये है कि शब्दकोश में सामान्य जानकारी दी हुई होती है शब्दों के बारे में,
कहीं कहीं आपको अर्ध पारिभाषिक शब्द या प्रचलित पारिभाषिक शब्द जो हैं वो भी इस प्रकार के कोशों में मिलेंगे, किंतु शब्द संग्रह जो है पारिभाषिक शब्दावली से जुड़े हुए होते हैं। जैसा कि हमने बातचीत की, शब्द संग्रह जो ग्लॉसरी जो है, हिंदी में शब्द संग्रह भी हैं और शब्द सूची के नाम से भी जाने जाते हैं, और इनमें ज्ञान के क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए शब्दों को संकलित किया हुआ होता है। उन शब्दों का संकलन होगा और उन संकलन के साथ जो है दूसरी भाषा में उनके पर्याय दिए होते हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने जो है, जिसकी चर्चा हम अक्सर करते रहते हैं, इस आयोग ने पारिभाषिक शब्दावली निर्माण का कार्य किया है। उनके द्वारा बनाए गए बृहद पारिभाषिक शब्द संग्रह मानविकी और सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो है, उसमें से ये कुछ प्रविष्टियां उदाहरण के तौर पे हमने ली हैं, जैसे रिकॉर्ड बुक, रिकॉर्ड डेट और रिकॉर्ड प्रोग्राम। इसके बाद विषय विशेष की जानकारी दी हुई है और विषय विशेष में वह शब्द जो मूल अंग्रेजी भाषा वाला है उसके पर्याय के रूप में हिंदी में कौन सा शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है उनकी जानकारी दी हुई है। तो इससे ये पता चलता है कि शब्द संग्रह में विषय विशेष से जुड़े हुए जानकारी शामिल रहती है और उससे ये पता चल जाता है कि उसका समतुल्य पर्याय क्या है। शब्दकोश और शब्द संग्रह के बारे में बातचीत करने के बाद हम थोड़ी सी जानकारी आपको ये भी देना चाहते हैं कि कोश और शब्दकोश क्या ये दोनों एक ही अर्थ को बता रहे हैं या इनमें भी कुछ भिन्नता है। कोश का अर्थ होता है वह संदर्भ ग्रंथ जिसमें शब्द आदि के अर्थ, पर्याय, विलोम शब्द आदि दिए हों। कोश स्वयं में एक व्यापक शब्द है जिसके भीतर सभी प्रकार के कोश आते हैं, जैसे शब्दकोश, पर्याय कोश, विलोम कोश, नाम कोश, विश्वकोश, मुहावरा कोश, लोकोक्ति कोश आदि। जबकि शब्दकोश उस कोश से मतलब होता है जिसमें एक शब्द के विभिन्न अर्थ आदि दिए हों। शब्दकोश में प्रस्तुत शब्द के लिए लिंग, वचन, धातु आदि के विषय में भी संक्षिप्त जानकारी दी होती है। जैसा कि हम जानते ही हैं, शब्दकोश एक भाषी भी हो सकते हैं, द्विभाषी भी या बहुभाषी भी। निष्कर्ष रूप में हम शब्दकोश और कोश में अगर अंतर करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि शब्दकोश कोश के विभिन्न प्रकारों में से एक प्रकार विशेष है। कोशों के बारे में जानने के बाद हम कोशों की आवश्यकता और महत्व पर भी थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति की स्मृति इतनी सक्षम नहीं होती कि वह अपनी भाषा या फिर एक से अधिक भाषाओं के सभी शब्दों को उनके अर्थ, उनकी व्युत्पत्ति आदि के संदर्भों में याद रख सके। इसलिए ये कहा जाता है कि कोश अज्ञात को ज्ञात बनाने, अर्धज्ञात को पूर्ण ज्ञात बनाने और शंकाओं के समाधान के लिए व्यवहार में लाया जाता है। लेखकों, पाठकों, विद्यार्थियों, अध्यापकों, प्रूफ रीडरों, वकीलों, पत्रकारों, कार्यालय कर्मियों और अनुवादक आदि के लिए कोश समान रूप से महत्वपूर्ण है। कोई भी साक्षर व्यक्ति जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है उसे भी शब्दकोश को देखने की आवश्यकता पड़ जाती है। और हम अनुवाद के संदर्भ में बात करें तो अनुवादक के लिए तो कोश जो है उसका अनिवार्य साधन उपकरण होता है। कोश शिक्षा का साधन है और भाषा शिक्षण में सहायक की भूमिका निभाता है। कोशों की आवश्यकता और महत्व का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि किसी भी जीवंत भाषा में शब्दों का भंडार निरंतर बढ़ता जाता है और उसी से शब्दकोश उत्तरोत्तर विकसित होते जाते हैं। शब्दकोश वास्तव में सभी प्रकार की आवश्यक जानकारी की पूर्ति करने वाला होना चाहिए और उसे प्रयोक्ता को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। शायद इसीलिए संस्कृत के एक कोश का नाम शब्दकल्प द्रुम है, जिसका आशय उस एक कल्प वृक्ष के समान है जो मांगने अथवा चाहने पर सभी जरूरतों को पूरी करने वाला हो। हिंदी शब्द सागर भी एक तरह का जो कोश है, इसमें भी सागर शब्द भी ध्यान देने लायक है। और इसके अलावा मानक हिंदी शब्दकोश भी, इसका शीर्षक
में मानक शब्द भी ध्यान देने लायक है। तो हम कह सकते हैं कि कोश कल्पद्रुम की तरह जो है कल्प वृक्ष के समान गुणों वाला होना चाहिए, सागर की तरह महान होना चाहिए और मानक रूप उसमें स्थिर होना चाहिए ताकि भाषा समृद्ध हो सके, संपन्न हो सके। कोशों की आवश्यकता और महत्व को जानने के बाद ये जरूरी हो जाता है कि क्या इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है और क्या ये मौलिक कार्य है। जब हम इस प्रश्न पर बात करते हैं तो हमारे समक्ष ये विचार आता है कि क्या कोश निर्माण मौलिक कार्य है। कोश सृजनात्मक साहित्य लेखन या जिस तरह से कविता आदि की रचना की जाती है उस तरह से देखें तो ये सृजनात्मक कार्य नहीं है, मौलिक कार्य नहीं है। लेकिन इसमें मौलिकता जो है दिखाने की और विवेक बुद्धि का उपयोग करने का पर्याप्त समय होता है, क्षेत्र है और अवसर रहता है। यह मौलिक कार्य की भांति ही आदरणीय माना जाता है। कोश संपादन को लेकर यह भी प्रश्न उठाया जाता है कि क्या कोश संपादन कला है अथवा विज्ञान। कला शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो कला शब्द ये बताता है कि किसी भी कार्य को भली प्रकार से कैसे करना है और उसमें कैसा कौशल दिखाया जा सकता है। जबकि विज्ञान वी उपसर्ग लगा के ज्ञान से बना है, अर्थात विशिष्ट ज्ञान। इसमें किसी विषय विशेष के विशिष्ट ज्ञान का विधिवत जो है अध्ययन अध्यापन की जो है स्थिति बनती है। तो इन दोनों दृष्टिकोणों से देखें तो क्या अनुवाद कोश संपादन जो है कला है अथवा विज्ञान। तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कोश की रचना प्रक्रिया कला ना होकर विज्ञान है, क्योंकि कोश तैयार करने की अवधारणा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अपेक्षा रखती है। वस्तुतः कोश की रचना प्रक्रिया कला ना होकर विज्ञान है, इसीलिए इसे कोश विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। व्यक्ति के ज्ञान और अभ्यास की परिणति हमें कोश के रूप में नजर आती है। कोश के संदर्भ में देखें तो कोश के कार्य क्या है, एक ये पक्ष भी विचारणीय है। कोश मूल रूप से देखें तो संदर्भ ग्रंथ का कार्य करता है, अर्थात वो रेफरेंस मटेरियल के रूप में काम करता है। लेकिन ये संदर्भ जो है कई आयामों वाले हो सकते हैं। जैसे हमें अगर किसी शब्द की वर्णक्रम की जानकारी प्राप्त करनी है तो उसमें भी कोश सहायक सिद्ध होता है। इसी तरह से अगर किसी शब्द विशेष की वर्तनी को समझना है, वर्तनी के संबंध में जानना है, तो वर्तनी की जानकारी भी कोश से हमें मिल सकती है। वर्तनी के अलावा हम देखें तो शब्द को किस प्रकार उच्चारित करना है तो उच्चारण संबंधी जानकारी भी कोश की सहायता से मिल सकती है। व्याकरण की जानकारी देने का भी कोश काम करते हैं। इसके अलावा ये भी देखा जा सकता है कि अगर किसी शब्द विशेष की व्युत्पत्ति के बारे में जानना है, अर्थात उस शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, तो उसके विकास क्रम को, उसकी व्युत्पत्ति को जानने के लिए भी कोश हमें सहायक सिद्ध होते हैं। इसी तरह से इतिहास, अर्थ, प्रयोग, पर्याय, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हों या फिर शब्दों के संबंध में कोई परिभाषाएँ हों तो उनको जानने के लिए भी हमें कोश सहायक सिद्ध होते हैं। कोश की अवधारणा और उसके आयामों को जानने के बाद अब हम चर्चा करना चाहेंगे कोश और उसके अर्थ और स्वरूप को लेकर। कोश विज्ञान के अर्थ और स्वरूप पर जब हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कोश विज्ञान कोश निर्माण का विज्ञान है। कोश में शामिल किए गए शब्दों के बारे में विस्तृत जानकारी कोश के जरिए हमें जो मिलती है, लेकिन इतनी जानकारी को जुटा पाना और उन्हें व्यवस्थित तरीके से रखना एक जटिल कार्य होता है। इसे भली प्रकार से संपन्न करने के लिए विशिष्ट व्यवस्था की जरूरत होती है। कोश विज्ञान कोश निर्माण की इसी जटिल कार्य को करने का विज्ञान कहलाता है। कोश विज्ञान के लिए लेक्सिकोग्राफी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी में। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपनी पुस्तक कोश विज्ञान में कोश विज्ञान शब्द का अंग्रेजी पर्याय लेक्सिकोलॉजी लिखा है,
तथा कोश निर्माण शब्द का अंग्रेजी पर्याय लेक्सिकोग्राफी दिया है, जबकि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने अपनी पारिभाषिक शब्दावली में बृहत पारिभाषिक शब्द संग्रह मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान से जो संबंधित है उसमें लेक्सिकोग्राफी के लिए जो हिंदी का पर्याय दिया है वो है कोश विज्ञान और शब्दकोश विज्ञान, तथा लेक्सिकोलॉजी के लिए शब्दार्थ विज्ञान और कोश कला पर्याय शब्द जो है प्रयोग किए हैं। इस तरह हम देखें तो मानकीकृत रूप में हम ये कह सकते हैं कि लेक्सिकोग्राफी जो है कोश विज्ञान है और लेक्सिकोलॉजी शब्दार्थ विज्ञान। इन दोनों शब्दों में क्या भेद है इन पर हम अब आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले ये बातचीत करना जरूरी है कि कोश विज्ञान क्या है। डॉक्टर रामचंद्र वर्मा ने कोश विज्ञान शब्द के स्थान पर कोश रचना जैसा शब्द भी प्रयोग किया है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो कोश विज्ञान और शब्दार्थ विज्ञान यानी लेक्सिकोग्राफी और लेक्सिकोलॉजी दोनों जो है समान है, और दोनों की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द लेक्सिको से हुई है जिसका अर्थ है बोलना, बोलने का तरीका अथवा शब्द। दोनों का संबंध शब्द या शाब्दिक इकाई से है, लेकिन दोनों में व्युत्पत्ति के आधार पर भी देखें तो अंतर मिलता है। लेक्सिकोलॉजी अर्थात शब्दार्थ विज्ञान जहाँ शब्दों के अर्थ का विज्ञान है, वहीं लेक्सिकोग्राफी अथवा कोश विज्ञान शब्दों के प्रयोग की बात करता है। लेक्सिकोलॉजी एक विस्तृत विज्ञान है और कोश विज्ञान उसका अंग है। शब्दार्थ विज्ञान के संदर्भ में अगर हम देखें, ये अब तक जो चर्चा की गई वो कोश विज्ञान को लेकर थी, अब हम बात कर रहे हैं शब्दार्थ विज्ञान की। शब्दार्थ विज्ञान के अर्थ और स्वरूप पर जब हम बात करते हैं तो शब्दार्थ विज्ञान शब्द और अर्थ का विज्ञान है, अर्थात उसमें शब्द और अर्थ का अध्ययन किया जाता है। एक भाषा में शब्दों की संख्या अनगिनत होती है, ये सभी शब्द मिलकर किसी भाषा के शब्द भंडार का निर्माण करते हैं। ये शब्द विभिन्न प्रकार के होते हैं। ऊपरी तौर पर देखने से लग सकता है कि इन शब्दों में आपस में कोई तारतम्य नहीं है, वे अव्यवस्थित होते हैं तथा उनमें आपस में कोई संबंध नहीं होता, किंतु वास्तव में देखा जाए तो ये स्थिति नहीं है, वे आपस में एक व्यवस्थापक रूप से संबंधित होते हैं। चूंकि शब्द एक स्वतंत्र इकाई है इसलिए वे भाषा का अंग बने हैं, और शब्दार्थ विज्ञान भी शब्द का अध्ययन संबंधी विभिन्न विषयों के साथ रखकर ही करने का विज्ञान है। प्रत्येक शब्द एक अर्थ प्रधान ध्वनि प्रधान अथवा व्याकरणिक इकाई होता है। शब्दार्थ विज्ञान इन विभिन्न संदर्भों में शब्द का अध्ययन करता है, समय और परिस्थिति के अनुसार शब्द एवं उसके अर्थ में परिवर्तन होते रहते हैं। शब्दार्थ विज्ञान किसी भाषा में प्रयुक्त शब्दों का उनकी व्युत्पत्ति विकास प्रयोग आदि के आधार पर अध्ययन करता है। जैसा कि हम जानते हैं भाषा का संबंध सीधा समाज से है। समाज में परिवर्तन के साथ साथ भाषा में निहित शब्दों के अर्थ में भी परिवर्तन आता है, इसलिए शब्द विज्ञान शब्दार्थ के अध्ययन में भाषा की अन्य इकाइयों के साथ समाज भाषा विज्ञान का भी गहन अध्ययन करता है। स्पष्ट है कि शब्द चूंकि भाषा का अभिन्न अंग है और भाषा के निर्माण में ध्वनि विज्ञान रूप विज्ञान अर्थ विज्ञान व्याकरण आदि का अध्ययन किया जाता है, इस कारण शब्दार्थ विज्ञान में भी शब्दों के पूर्ण अध्ययन के लिए भाषा विज्ञान की इन विभिन्न शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। कोश विज्ञान और शब्दार्थ विज्ञान के बारे में जो हमने अब तक चर्चा की उससे इनके अर्थ और स्वरूप को स्पष्ट आपको हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं कोश विज्ञान और शब्दार्थ विज्ञान में मूलभूत अंतर को लेकर। कोश विज्ञान मूलतः कोश बनाने का विज्ञान है। शब्दार्थ विज्ञान जहां एक और शब्द का विस्तृत अध्ययन करता है, वहीं कोश विज्ञान शब्दों के व्यवहारिक प्रयोग का विज्ञान है। शब्दार्थ विज्ञान में शब्दों का अध्ययन एक व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है, जबकि कोश विज्ञान में शब्द
किसी व्यवस्था का अंग ना होकर स्वतंत्र इकाई का रूप लिए हुए होते हैं। शब्द के संपूर्ण अध्ययन का सैद्धांतिक विज्ञान होने के कारण शब्दार्थ विज्ञान के अंतर्गत शब्द का भाषा विज्ञान की विभिन्न इकाइयों के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन किया जाता है। वहीं कोश विज्ञान में कोश निर्माण की प्रक्रिया ही केंद्र में होती है। इस कारण कोशकार के चिंतन के केंद्र में शब्द अपने व्यवहारिक संदर्भ में आते हैं। शब्दार्थ विज्ञान में शब्द का अध्ययन वस्तुनिष्ठ होता है और जो पूरी तरह से शब्द तथा अर्थ निर्माण के सिद्धांत पर केंद्रित होता है। वहीं ये भी देखें कि शब्दार्थ विज्ञान का ज्ञाता यहाँ पूरी तरह से तटस्थ रहता है, लेकिन कोशकार के संदर्भ में देखें, कोश विज्ञान के संदर्भ में देखें, तो कोशकार ना चाहते हुए भी बहुत कुछ ऐसी जानकारी कोश में डालता है जो उसके निजी ज्ञान के दायरे में आती है। कोश विज्ञान को हम मूलतः अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्वीकार करते हैं। विशेष बात यह है कि भाषा विज्ञान की यह शाखा भाषा विज्ञान की अन्य शाखाओं से भी विभिन्न प्रकार की सहायता लेती है। तो भाषा विज्ञान की अन्य शाखाओं की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, शब्द विज्ञान, शैली विज्ञान और अर्थ विज्ञान की बात की जाती है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि कोश निर्माण में साहित्य, व्याकरण, भूगोल, समाजशास्त्र आदि विषय भी विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। कोश विज्ञान में इन सभी विषयों की चर्चा होती है, इसलिए यह ज्ञान के अन्य क्षेत्रों से भी संबंधित है। कोश विज्ञान के अंतर्गत जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है वे इस प्रकार हैं: कोश सामग्री संकलन विज्ञान, प्रविष्टि चयन विज्ञान, वर्तनी विज्ञान, व्युत्पत्ति विज्ञान, उच्चारण विज्ञान, शब्द निर्माण विज्ञान और कोशार्थ विज्ञान। आप इन विषयों के बारे में अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कोश सामग्री संकलन विज्ञान आदि ये सभी जो हैं कोश विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विषय हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कोश विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियाँ कौन सी हैं। जब हम अध्ययन की पद्धतियों की बात करते हैं तो हमें वर्णनात्मक अध्ययन पद्धति, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति और तुलनात्मक अध्ययन पद्धति नज़र आती है। वर्णनात्मक अध्ययन पद्धति कोशगत शब्दों अथवा उनके प्रयोगों को उनके प्रस्तुत रूप में देखने से संबंधित है। शब्दों की कालक्रम के अनुसार प्रयोगों की जांच करना, जिससे शब्दों के विकास, जीवन मरण तथा किसी काल विशेष में प्रचलित शब्द या भाषा की जानकारी प्राप्त होती है, यह अध्ययन जो है ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का रूप लिए हुए होता है। वहीं तुलनात्मक अध्ययन पद्धति मुख्य रूप से दो आयाम लिए होती है। इसमें एक ही भाषा परिवार की पारिवारिक शाखा के अंतर्गत पूर्वापर क्रम से या फिर सहवर्तनी भाषाओं में प्राप्त समान प्रयोगों के आधार पर तुलना की जाती है। उदाहरण के लिए टर्नर की ए कंपैरेटिव एंड एटमोलॉजिकल डिक्शनरी ऑफ नेपाली लैंग्वेज और टर्नर की ही ए कंपैरेटिव डिक्शनरी ऑफ इंडियन इंडो आर्यन लैंग्वेजेस कोश जो है तुलनात्मक अध्ययन पद्धति पर आधारित शब्दकोश है। तो शब्दार्थ विज्ञान और कोश विज्ञान के बीच जो अंतर है और उनके जो आयाम हैं उनको जानने के बाद अब हम बात करना चाहेंगे कोशों के विभिन्न प्रकारों को लेकर। कोश हमें कई प्रकार से मिलते हैं। अगर हम कोशों को प्रकारों को देखें तो वो कुछ हमें अव्यवस्थित रूप में मिलते हैं। उनको जब तक हम एक वर्गीकृत दृष्टि से नहीं देखेंगे तो हमें ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि कोश कितने तरह के होते हैं। इसके लिए जो वर्गीकरण के आधार बनाए जाते हैं वे हैं उद्देश्य, भाषा,
प्रविष्टि, काल, अर्थ, प्रविष्टिक्रम, विशिष्ट दृष्टिकोण और उपयोग आदि। उद्देश्य के आधार पर हम देखें तो कोश हमें कई प्रकार के मिलते हैं, जैसे व्युत्पत्ति कोश, उच्चारण कोश, पर्याय कोश, विलोम कोश आदि। भाषा के आधार पर कोशों को अगर हम वर्गीकृत करना चाहें तो उन्हें एकभाषी कोश, द्विभाषी कोश, बहुभाषी कोश, उपभाषा कोश, उपभाषा का अर्थ है बोली कोश, और अपभाषा कोश, अपभाषा कोश अर्थात डिक्शनरी ऑफ स्लैंग्स, स्लैंग शब्द जो हैं उनसे संबंधित कोश। और इसके अलावा प्रविष्टि के आधार पर अगर हम देखें तो उद्धरण कोश, सूक्ति कोश, मुहावरा कोश, लोकोक्ति कोश आदि। मुहावरा कोश और लोकोक्ति कोश अलग अलग रूप में भी मिल सकते हैं और दोनों एक साथ भी हमें मिल सकते हैं। काल के आधार पर कोशों के प्रकारों की अगर हम बात करें तो हमें एककालिक कोश या ऐतिहासिक कोश जैसे मिलते हैं। अर्थ के आधार पर कोशों को हम समानार्थी कोश, विलोमार्थी कोश, एकार्थी कोश, अनेकार्थी कोश जैसे कोशों के में वर्गीकृत करके देख सकते हैं। वहीं विशिष्ट दृष्टिकोण के आधार पर जब हम कोशों की बात करते हैं तो परिभाषा कोश अथवा पारिभाषिक शब्द संग्रह या परिभाषिक शब्द सूची वाले कोश शामिल हैं। इसके अलावा समानांतर कोश, व्यक्ति तथा कृति कोश, पुराण एवं मिथक कोश और विश्वकोश आदि की बात की जा सकती है। और उपयोग के आधार पर कोशों को वर्गीकृत किया जाए तो हमें कोश मुद्रित रूप में भी मिलते हैं, कंप्यूटर कोश भी मिलते हैं और ऑनलाइन कोश उपलब्ध हैं। कंप्यूटर कोश और ऑनलाइन कोश सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, जिस तरह से इंटरनेट और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पूरे विश्व में छा गई है, इसने कंप्यूटर कोश और ऑनलाइन कोश जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी हैं। अगर हम विभिन्न प्रकार के कोशों को देखना चाहें उदाहरण के रूप में तो हमें उपभाषा कोश अथवा बोली कोश के रूप में द इंग्लिश डायलेक्ट डिक्शनरी मिलती है, जिसे जोसेफ राइट ने तैयार किया था। इस तरह के कोश जो है, जब हम बोली से संबंधित शब्दों की जानकारी लेना चाहते हैं या फिर उपभाषा के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो उसके अर्थ को समझने में यह कोश सहायक होता है। उदाहरण के लिए हम बात करें फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल की या फिर श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी की। इसी तरह से राही मासूम रजा के आधा गांव उपन्यास की बात करें तो इन उपन्यासों में हमें क्षेत्रीय भाषाओं के जो जिस क्षेत्र से जुड़े हुए संस्कृति को दर्शाने के लिए और उससे संबंधित विषय वस्तु वाला उपन्यास है, उनके शब्दों की जानकारी को प्राप्त करने के लिए जो अन्य क्षेत्र के लोग हैं उन्हें इस प्रकार का कोश सहायक सिद्ध होता है। ऐसे ही हम देखते हैं अपभाषा कोश की। अपभाषा शब्द जो है स्लैंग्स के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी। हमारी बोलचाल में, हमारी भाषा में स्लैंग शब्द भी व्यवहार में आते रहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें खुंदक शब्द है, बीड़ू, टपोरी, पंगा लेना, फट्टे मारना, ठुल्ला आदि शब्द। इस प्रकार के शब्द हिंदी में आप देख सकते हैं, ऐसे ही अंग्रेजी में भी मिलते हैं। तो अंग्रेजी में भी हम देखें तो इन तरह के शब्दों को संकलित करके एक डिक्शनरी तैयार की गई है, एरिक पैट्रिज ने की थी। इस डिक्शनरी का नाम है ए डिक्शनरी ऑफ स्लैंग्स एंड अनकन्वेंशनल इंग्लिश। ये शब्द भी साहित्य और बोलचाल में स्थान पाते हैं, तो ऐसे शब्दों के अर्थ को समझने में की दृष्टि से अपभाषा कोश इस्तेमाल में लाना उपयुक्त रहता है। इसे हम भदेश भाषा कोश भी कह देते हैं। अगर हम और उदाहरण के रूप में हम देखें छोड़ना शब्द को ही लें। छोड़ना शब्द जो ये बताता है कि बंधन से मुक्त कर देना है या स्वतंत्र कर देना है, पर छोड़ना भदेश रूप में जो है बातें बनाना या गप वगैरह को लेकर अर्थ को व्यक्त करता है। वहीं
हम देखें सुपारी शब्द, सुपारी शब्द भी जो है व्यवहार में लाया जाता है, पर ये भदेश अर्थ में जो है व्यक्त करता है, जो उसका मतलब ये है कि मारने के बदले में दिया जाने वाला धन। अंग्रेजी भाषा की हमने बात की थी, अंग्रेजी में बी ए ब्यूटी शब्द अगर आता है तो इसका सामान्य अर्थ यह होता है सुंदर होना, जबकि इसका दूसरा अर्थ जो है फूहड़ या अविश्वसनीय व्यक्ति है। इसी तरह से चंकी वुड का सामान्य अर्थ है लकड़ी का टुकड़ा, लेकिन इसका भदेश अर्थ कहें या अप भाषा का संदर्भ में देखें तो यह अर्थ बनेगा किसी काम का ना होना। इस तरह की जानकारी अपभाषा कोश में आपको मिल सकती है आराम से, सिर्फ यह कि आप उस संबंधित भाषा में क्या अपभाषा कोश तैयार किया हुआ है अथवा नहीं। ऐसे ही उच्चारण कोश की बात करें तो उच्चारण कोश हमें डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का हिंदी उच्चारण कोश या कृष्ण कुमार भार्गव का भी उच्चारण कोश उपलब्ध है। इसके अलावा अंग्रेजी में जो एवरीमैन्स इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी डेनियल जॉन्स की जो है तैयार की हुई, ये हमें उपलब्ध होती है। उच्चारण कोश के जरिए हमें ये पता चल जाता है कि किस शब्द विशेष को किस तरह से उच्चारित किया जाता है। खास तौर पे हम देखें तो फ्रांसीसी शब्द जो है उनके अंग्रेजी वर्तनी को देखें और उसके उच्चारण में काफ़ी भिन्नता नज़र आती है। जैसे एक शब्द है मिट्रेंड, MITRAND, अगर हम इसे शब्दों की वर्तनी के हिसाब से देखें तो मिट्रेंड लिखेंगे, जबकि फ्रांस के उच्चारण के दृष्टि से हम देखें फ्रांसीसी भाषा में इसका उच्चारण जो है मित्रां शब्द है। ऐसे ही बेनितो जुहारेज मार्ग दिल्ली के एक क्षेत्र विशेष में जो है ये इस मार्ग का नाम है, उसकी अंग्रेजी वर्तनी और हिंदी वर्तनी में आपको अंतर मिलेगा। वहाँ जुहारेज जे से शुरू हो रहा है लेकिन उच्चारित जो किया जाता है वो हुआरेज किया जाता है। तो इस तरह के उच्चारण के बारे में जानने के लिए हमें उच्चारण कोश काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। उच्चारण कोशों के अलावा हम बात करते हैं पारिभाषिक शब्द संग्रहों की और पारिभाषिक शब्दावली की और परिभाषा कोशों की। कई व्यक्तियों ने इस तरह के कोश भी तैयार किए हैं, लेकिन आधिकारिक रूप में यह दायित्व वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को दिया हुआ है। यह आयोग केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो है काम कर रहा है और इस आयोग ने विभिन्न विषयों की पारिभाषिक शब्द संग्रहों को तैयार किया है, शब्दावलियाँ तैयार की हैं और परिभाषा कोश भी तैयार किए हैं। विषय विशेष से संबंधित जानकारी के लिए, उससे जुड़े शब्दों के समतुल्य जानने के लिए, उनकी परिभाषाओं को समझने के लिए आयोग द्वारा तैयार किए गए शब्दकोश को देखना उपयुक्त रहता है। इससे सुविधा ये रहती है कि आपको परिभाषा कोश के जरिए पूरी की पूरी अवधारणा समझ आ जाएगी और वहीं शब्द संग्रह को आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस अंग्रेजी शब्द जैसे दिया हुआ तो उसका हिंदी में समतुल्य पर्याय कौन सा है। कोशों के इन विभिन्न प्रकारों के अलावा जो है हम समानांतर कोश की भी बात कर सकते हैं, जिसके लिए थिसॉरस शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है। थिसॉरस अंग्रेजी का जो है वो रोजे का थिसॉरस है और हिंदी में कुछ समय पहले तक तो थिसॉरस तैयार नहीं हुआ था, बाद में अरविंद कुमार और कुसुम कुमार ने मिलकर एक कोश तैयार किया जिसका नाम है समांतर कोश। समांतर कोश जो है एक कोश शब्द विशेष के संबंध में पूरी जानकारी देने के लिए खास तौर पे व्यवहारिक सिद्ध होता है। जैसे हम थिसॉरस या समांतर कोश की बात करें तो डिसीट शब्द जैसे देखते हैं तो धोखाधड़ी के लिए डिसीट शब्द प्रयोग में आता है, उसके लिए समांतर कोश को देखने पे स्कैंडल, स्कैम, फोर्जरी, फ्रॉड, चीटिंग, डिसीटिंग, एम्बेजलमेंट, मिस अप्रोप्रिएशन जैसी अर्थचटाएँ भी मिल जाती हैं। ऐसे ही पर्याय कोश, कथा कोश, पुराण कोश, मिथक कोश, सूक्ति कोश, उद्धरण कोश आदि भी उपलब्ध हैं। लोकोक्ति मुहावरा कोश, साहित्य कोश और विश्व कोश जैसे भी हमें कोश मिलते हैं।
जहाँ तक विश्वकोश की बात है, इसके लिए अंग्रेजी में एनसाइक्लोपीडिया शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है। इंसाइक्लोपीडिया शब्द विशेष से जुड़ी हुई व्यापक जानकारी देने का माध्यम होता है, और ये सामान्य शब्दों वाला भी हो सकता है और किसी विषय आदि से जुड़ा हुआ कोश भी बन हो सकता है। कोशों के इन विभिन्न प्रकारों के बारे में जानने के बाद अब हम ये बातचीत करना चाहेंगे कि कोश निर्माण की आवश्यकता क्या है और उसका महत्व क्या है। इस आवश्यकता और महत्व को जानने के बाद ही हम कोश निर्माण की प्रक्रिया पर विचार करें तो हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि कोश निर्माण की प्रक्रिया क्या है और उसमें कैसे कोशों का निर्माण किया जाता है। कोश निर्माण की ज़रूरत को महसूस करते समय हम ये कह सकते हैं कि मानव जीवन में शब्द की महत्ता को स्थापित करने में कोश महत्वपूर्ण और विशिष्ट भूमिका निभाता है। हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म कहा गया है। शब्द की पूर्ण और विस्तृत जानकारी से शब्द प्रयोग कौशल में सिद्धस्थता प्राप्त होती है। भाषा संबंधी बौद्धिक विकास में कोश बहुत सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि इससे विषय और ज्ञान का विस्तृत विवेचन करने में मदद मिलती है। शब्द प्रयोग व्यक्ति के अभिव्यक्ति सामर्थ्य को बढ़ाता है और जीवन को संस्कृत एवं सभ्य बनाता है। कोश निर्माण कार्य बौद्धिकता, ज्ञान और परिचय का समन्वय स्थल होता है। कोश भाषा की व्याकरणिक इकाइयों के उचित प्रयोग, मानक वर्तनी, मानक उच्चारण की जानकारी के मुख्य स्रोत होते हैं। कोशों से व्यक्ति को भाषिक दक्षता हासिल होती है। वास्तव में भाषिक दक्षता में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने वाला यह सहायक उपकरण कोश संस्कृति निर्माण और संरक्षण का सुदृढ़ माध्यम है। यही कोश निर्माण की आवश्यकता और महत्व का आधार है। इस दृष्टि से कोशों को तैयार करने में लोग और संस्थाएं और सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाते हैं। तो शब्दकोश निर्माण के प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं तो विभिन्न चरणों से होकर यह प्रक्रिया गुजरती है, लेकिन इतना जरूर है कि शब्दकोश निर्माण की प्रक्रिया एक अत्यंत जटिल, दुरूह और लंबी प्रक्रिया है। आरंभ में इस कार्य के लिए बौद्धिक क्षमता, प्रशिक्षण एवं सिद्धांतों की आवश्यकता ना समझते हुए केवल परिश्रम का कार्य ही समझा जाता रहा है। लेकिन समय के साथ साथ कोश निर्माण कार्य के प्रति धारणा में परिवर्तन हुआ, और जिसके कारण शब्दकोश निर्माण एक मौलिक सृजन कार्य के रूप में देखा जाने लगा। यह केवल शब्दों और उसके अर्थों का संकलन मात्र नहीं होकर उसके विभिन्न प्रचलित अर्थ, व्याकरणिक परिवर्तन, अर्थ छवियाँ, शब्द प्रयोग, पर्याय, विलोम आदि की दृष्टि से भी कोशकार के ज्ञान और अनुभव पर आधारित ग्रंथ माना जाने लगा। ऐसे में कोश और कोशकार की शब्द के समस्त भाषापन पर आधारित भाषिक प्रयोग दक्षता की दृष्टि से कोश को देखा जाने लगा। इस तरह कोश, कोशकार की किसी भाषिक दक्षता शब्द भंडार पर पैनी दृष्टि का पर्याय बन गया। शब्दकोश निर्माण कार्य सरल नहीं है, जैसा कि अभी चर्चा की जा चुकी है। इसे सरल मानना कोश निर्माण की प्रक्रिया का ठीक से आकलन करना ना होगा, लेकिन कतिपय विद्वान इसे सरल कार्य मानकर चलते हैं। इसलिए उनका यह कहना है कि कोई भी अच्छे दो चार कोश उठाकर कोई भी कोश तैयार किया जा सकता है, लेकिन ये ठीक नहीं है, सही नहीं है। व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो लाभ की दृष्टि से इसे भले ही फायदेमंद मान लिया जाता हो, लेकिन भाषा की समृद्धि में इस प्रकार के प्रयासों का कोई योगदान नहीं होता है। मौलिक शब्दकोश निर्माण की प्रक्रिया में ज्ञान, प्रशिक्षण और सूझबूझ कौशल की वैज्ञानिक कार्य की भांति ही अनिवार्य मांग बनी होती है, क्योंकि कोश निर्माण की कला और विज्ञान दोनों का समावेश कोश निर्माण की प्रक्रिया में है। अगर हम देखें कि
इस प्रक्रिया पे ही बात करें तो कोश निर्माण की प्रक्रिया आरंभिक योजना प्रारूप से लेकर कोश प्रकाशित होने तक की है, जिसमें श्रम, समय और बौद्धिक क्षमता की जरूरत होती है। विशेष बात यह रहती है कि इसकी कोई समय सीमा नहीं होती। उदाहरण के लिए हम देखें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जब बनाई गई थी तो इसे तैयार करने में 40 साल का समय लग गया था। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कोशकार को ऐसा अथक परिश्रमी कहा था जो किसी भी दृष्टि से किसी को की कोई हानि नहीं करता। इसे हम एक हद तक ही स्वीकार कर सकते हैं। कोश निर्माण करते समय उसके द्वारा की गई छोटी से छोटी गलती तक अनेक प्रकार की हानियों की जननी सिद्ध हो सकती है। वैसे इसमें कोई संदेह नहीं कि वह अथक परिश्रमी होता है, तभी तो वह कोश निर्माण जैसे थकाऊ, उबाऊ किंतु चुनौतीपूर्ण कार्य को करने की हिम्मत दिखा पाता है। ये चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि शब्दों के सहज और सटीक अर्थ, रूप और प्रयोगों को प्रस्तुत करना उसका दायित्व है, जिसे पाठक बिना किसी श्रम के सहज ही समझ ले। इस सावधानी से किए जाने वाले कार्य के संदर्भ में मैथ्यूज ने ए सर्वे ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी में लिखा है, द एडिटिंग ऑफ ए डिक्शनरी इज ए वर्क दैट डिमांड्स द बेस्ट केयर ऑफ ए कैपेबल स्कॉलर, बट कलेक्शन मटीरियल इन स्लिप्स फॉर्म कैन बी डन बाय एनीवन विद सफिशिएंट लेजर। वर्ड हंटिंग इज एन इंटरेस्टिंग पास्ट टाइम एंड द इंटरेस्ट विच इज पॉजिस लेड हंड्रेड्स ऑफ वॉलेंटियर्स रीडर्स टू सप्लाई हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्लिप्स टू द एडिटर्स। यह कार्य जो है अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार जो है कोश कर पाते हैं, और इस कार्य को करने के लिए ये जरूरी है कि कोश निर्माण को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न चरणों में विभक्त करके देखा जाए। कोश निर्माण की जो प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में बांटते हैं तो उसे हम चार प्रमुख चरणों में बांटकर देख सकते हैं। ये है सामग्री संकलन और प्रविष्टि चयन, दूसरा चरण है प्रविष्टि संपादन प्रक्रिया, अर्थ निर्धारण एवं व्याख्या संबंधी संपादन प्रक्रिया, और प्रेस कॉपी निर्माण एवं मुद्रण। इन चारों चरणों से गुजरकर ही कोश पूरी तरह से संपन्न हो पाता है, अर्थात वो अपने योजना प्रारूप से लेकर प्रकाशन की स्थिति तक पहुंच पाता है। इन चरणों पर हम अपने अगले व्याख्यान में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के व्याख्यान से ये स्पष्ट हो चुका है कि कोश क्या है, कोशों का अर्थ संदर्भ क्या है, और परंपरा में कोश के लिए किस प्रकार के शब्द इस्तेमाल में लाए जाते रहे हैं। वहीं हमने यह भी चर्चा की कि अरबी, फारसी और उर्दू में कोश के लिए लुगत शब्द का इस्तेमाल होता है, और अंग्रेज़ी भाषा में देखें तो डिक्शनरी, लेक्सिकन, वोकेबलरी, ग्लॉसरी और थिसॉरस जैसे शब्द प्रयोग भी रहे हैं। वहीं हमने कोश के अर्थ स्वरूप पर चर्चा करने के बाद कोश विज्ञान अर्थात लेक्सिकोग्राफी और शब्दार्थ विज्ञान अर्थात लेक्सिकोलॉजी पर भी बातचीत की, और इनके अर्थ और स्वरूप को स्पष्ट करने के साथ ही यह भी बताया कि कोश विज्ञान क्या है और लेक्सिकोग्राफी लेक्सिकोलॉजी क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। और हमने आपको ये भी बता दिया है कि कोश कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रकारों को देखने के लिए हमें कोई ना कोई वर्गीकरण का आधार लेकर चलना होता है। तो उन आधार वर्गीकरण के आधारों पर चर्चा करते हुए कोशों की विभिन्न प्रकारों की बातचीत की। आशा है ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कोश निर्माण की जो है प्रक्रिया जो चरणों में विभिन्न चरणों के से होकर गुजरती है वो उसके लिए ये जरूरी है कि हम योजना प्रारूप से लेकर उसे प्रकाशन तक जो है किस तरह से देखते हैं। इन चरणों पर हम अपने अगले व्याख्यान में विस्तार से चर्चा करेंगे। जी शुक्रिया जी। सर इस लेक्चर के लिए। तो दोस्तों आज हमने बात की कोश और कोश विज्ञान, और जैसे कि सर ने बताया हम इसको कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले लेक्चर में भी।
और क्योंकि समय बहुत कम है, एक छोटा सा सवाल सर से पूछना चाहूँगी कि इसी विषय के बारे में अगर हम ज़्यादा पढ़ना चाहें या ज़्यादा जानना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? कोई सोर्स एक्सेस करना चाहिए, कोई किताब पढ़नी चाहिए? जी हाँ, किस तरह नहीं, ये से? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कोश विज्ञान एक पूरा व्यवस्थित विज्ञान है और देश के कुछ एक विश्वविद्यालयों में इस पर जो है शोध कार्य भी हो चुका है और पीएचडी की उपाधि तक जो है कार्य किया है। इसके अलावा कोश विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने विशेष काम किया है और उनकी एक पुस्तक का नाम है अच्छा, कोश विज्ञान। और हम देखें तो भारतीय अनुवाद परिषद द्वारा प्रकाशित कोश अनुवाद पत्रिका, जो त्रैमासिक पत्रिका है, उसका एक कोश विशेषांक है। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित भाषा पत्रिका और केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा प्रकाशित गवेषणा पत्रिका में भी कोश विज्ञान पर जो है विशेष तौर पर हमें कई आलेख मिलते हैं जी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने कोश विज्ञान पर जो है कुछ एक पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं। अच्छा, वो मौलिक भी लिखी हुई हैं और अनुदित भी हैं। अच्छा। तो जैसे SM कात्रे की जो है अनुदित पुस्तक के रूप में जो है कोश विज्ञान हमें वहाँ उपलब्ध होते हैं। तो इस संबंध में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है पाठक को ये चाहिए कि कोश के लिए इस तरह के संदर्भों को देखें और इंटरनेट पर भी आज की तारीख में जो है काफ़ी कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो वहां भी देख सकते हैं, अन्य भी जी पुस्तकें उपलब्ध हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर ये सब हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे दोस्तों, फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे कोश और कोश विज्ञान के बारे में बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार दोस्तों।